नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का मिजाज। और आज देश के मिजाज में बात देश यानी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। क्या इस पे बात करेंगे, महात्मा होने का अर्थ क्या है आज के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट की, जब महात्मा गांधी पहुंचे आजादी से पहले लखनऊ, और लखनऊ के एक सेशन में पहुंच रहे थे जहां उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी जवाहरलाल नेहरू से। उसके ऊपर एक रिपोर्ट है, पहले वो देखिए फिर करेंगे इस पे और चर्चा। सत्य, अहिंसा और मानवता के पुजारी और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वो पुतली बाई और करमचंद गांधी के 3 बेटों में सबसे छोटे थे। देश की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी की न केवल देश में बल्कि विदेश में भी गहरी पैठ रही। 2 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें भी कई बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। ऐसे में अगर बापू के लखनऊ कनेक्शन की बात ना करें तो शायद गलत होगा। विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम कई वजहों से जाना जाता है। यहाँ बापू से जुड़ी तमाम ऐसी यादें हैं जो आज भी लखनऊ अपने अंदर समेटे हुए है। बताते चलें कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बापू से पहली मुलाकात लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई थी। महात्मा गांधी 26 दिसंबर 1916 को पहली बार लखनऊ आए थे। मौका था कांग्रेस के अधिवेशन का, जिस दौरान वो 5 दिनों तक शहर में रहे। बापू कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उसी दौरान मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सैयद महमूद ने एक साथ लोगों को संबोधित किया। ये वही समय था जब पंडित नेहरू ने बापू के साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने का फैसला लिया था। गोखले मार्ग पर आज भी महात्मा गांधी का लगाया हुआ पेड़ आप देख सकते हैं। वैसे तो वो कई बार लखनऊ आ चुके थे, लेकिन आज़ादी से कुछ साल पहले ही वो दोबारा यहाँ आए थे। इस दौरान वो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष शीला कौल के भी घर गए थे। वहाँ बापू ने अपने हाथों से एक पौधा लगाया था जो आज भी अपनी जगह पर टिका हुआ है और लहलहा रहा है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर न्यूज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। न्यूज डेस्क। तो आपने देखा किस तरीके से महात्मा गांधी जब पहली बार पहुंचे लखनऊ, और वहां एक बरगद का पेड़ भी उन्होंने लगाया चारबाग रेलवे स्टेशन पे। जवाहरलाल नेहरू से पहली बार उनकी मुलाकात वहीं पर हुई। लेकिन आज जो हमारा आप पीछे देख भी सकते हैं, महात्मा का अर्थ क्या है, गांधी का अर्थ इस देश में, जब एक ऐसे दौर में जब राष्ट्रपिता की उपाधि मिलने के बाद दूसरे देश का एक राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को देश का पिता बोल दे, ऐसे संदर्भ में एक राष्ट्रपिता होने का क्या अर्थ है? एक ये किसी का किसी को ये उपाधि दे देना, इसका कोई अर्थ नहीं रहता है, क्योंकि जब तक कि जो उपाधि है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर रहे होते जी। तो हम जब बात करते हैं ना, महात्मा के नाम से ही हमारे जहन में जो एक तस्वीर निकल के आती है वो होती है महात्मा गांधी की जी। और अगर शाब्दिक अर्थों में देखा जाए, महात्मा मतलब विशाल आत्मा, बड़ी आत्मा, ये तो उसका शाब्दिक अर्थ हो गया। लेकिन व्यवहारिक अर्थ उसका ये है कि आपके विचार भी उतने ही बड़े हैं, आपका दृष्टिकोण भी उतना बड़ा है, आपका नज़रिया पूरे समाज को लेके, समाज के हर तबके को लेके भी उतना ही बड़ा है। वही चीज़ आपको महात्मा बनाती है। और एक्चुअली एक राइटर हुए हैं थॉमस वेब, उनकी एक बुक है, उस किताब का नाम है कि गांधी एज अ डिसाइपल एंड अ मेंटोर। उस किताब में एक जिक्र मिलता है कि और भी कई चीज़ें हैं उसमें, और ख़ासकर उसमें 10वें या 10वें अगले के कई पन्नों में है, जिसमें उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने बनाया। तो इस सिलसिले में जो पहला नाम निकल के आता है वो आता है श्रीमद रामचंद्र का, जिनसे गांधी जी का पत्राचार होता रहता था, उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करते थे, और विषय होता था अध्यात्म, धर्म, समाज, इन विषयों पर उनके साथ बड़ी चर्चा होती थी जी। और वहीं से उनको पहली बार अध्यात्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, इसका वृहद रूप उनको पहली बार समझ में आया, और उन्होंने उसको फॉलो किया।
उसका अनुकरण किया। और एक टाइम तो किताब की ही बात में कर रहा हूँ कि ऐसा भी आया कि जब वो मुसलमान और ईसाई संतों के भी संपर्क में आए और इतना ज़्यादा वो प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने एक बार कन्वर्ट होने का भी सोचा, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, पहले मैं अपने धर्म को तो समझ लूँ उसके बाद ही मैं किसी धर्म में जा सकता हूँ। और इस तरह से उन्होंने धर्म को समझने की चेष्टा की, बहुत कोशिश की, और तब कहीं जाके वो एक गांधी से महात्मा गांधी बने। इस तरह से उनका सफर तय हुआ। इसमें कई और भी इंटरेस्टिंग पड़ाव है जिनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है ये। और दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊँ कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि गांधी जी का जब वो साउथ अफ्रीका में वकालत कर रहे थे और किस तरह से उनको ट्रेन से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था कि वो रंग जो है उनका वो कलर्ड थे, जिनको हम लोग आज की जबान में कहते हैं, और उनका सामान फेंक दिया गया, उनको भी धक्के मार के बोगी से नीचे उतार दिया। ऐसे हालात में अमूमन आदमी वायलेंट हो जाता है, उसकी विचारधारा वायलेंट हो जाती है, लेकिन वायलेंट नहीं हुआ, बिल्कुल उसके वो बरक्स उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में चले गए, वो एकदम शांत हो गए। और उनकी शांति में इतनी ताकत थी कि आज अगर कोई ये कहे कि अगर कोई ये सवाल पूछे, और हम अक्सर देखते भी हैं कि क्या गांधी आज प्रासंगिक हैं, जी आज की बात नहीं, गांधी कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते। और ये आपको इतिहास बार बार दोहराता है, वो बताता है कि कितने भी देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए, कभी भी युद्ध से, हिंसा से उसका कभी समाधान नहीं हुआ। अल्टीमेटली आपको बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करनी पड़ी और तभी उसका समाधान निकला। और इसीलिए गांधी आज भी उतने प्रासंगिक हैं और आने वाले वर्षों में भी रहेंगे। जी बिल्कुल, गांधी हमेशा से ही जिसकी जो रेलिवेंसी की हम बात कर रहे थे उनकी, वो रेलिवेंट बने रहेंगे। गांधी की जो विचारधारा है जिसकी बात हमेशा की जाती है कि गांधीयन थॉट है, गांधीयन विचार है, वो आखिर क्या है और वो कैसे एक जो नॉर्मल सोसाइटी है उसको बड़ी सोसाइटी बनाते हैं, क्या है गांधी जी की वो बातें जो एक समाज को उस समाज से आगे क्या समाज बनाती है। देखिए और मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा, गांधी जी पक्के लोकतांत्रिक आदमी थे, राजनीति नहीं की उन्होंने लोकतांत्रिक, और मूलतः स्वभावतः वो लोकतांत्रिक आदमी थे। और इसके एक आपको बता एक मिसाल में देता हूँ कि गुजरात में एक बार दंगा हो गया, झगड़े बगड़े हो गए, तो वहाँ पर तब मोरारजी देसाई थे और उन्होंने उसे नियंत्रण करने के लिए उन्होंने सेना बुला ली। उन्होंने गांधी जी इस पर बड़े नाराज हो गए, उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी कि आपने सेना क्यों बुलाई, पुलिस कहाँ है, एहतियातन आपको सबसे पहले पुलिस को करना चाहिए, पुलिस जनता की है, जनता की सेवा के लिए आपको सेना के बल पर, सुरक्षा बल, सुरक्षा बल हमारा सुरक्षा बल लोग हैं, सेना नहीं है जी, पुलिस नहीं है, ये लोग हैं जी। और इसी तरह उन्होंने जब कलकत्ता में जब वास तोड़ा था, वहाँ पर जब वहाँ पर दंगे हो रहे थे और उसके विरोध में उन्होंने रख लिया था, तो उस तब भी उन्होंने उपवास रख के विरोध किया, विरोध करते हुए उसके खिलाफ बल्कि विरोध भी नहीं कहूँगा, नाराजगी बताई उनको, हाँ उनको ये बात पसंद नहीं आई कि क्यों हो रहे हैं दंगे फसाद। और तब मैं नाम बोल रहा हूँ उसका अंग्रेज का, और तब उन्होंने कहा था कि जो हजारों की सिपाहियों की फौज जो नहीं कर पाई, वो गांधी जैसे एक अदने से छोटे से कद के आदमी ने एक उपवास रख के करके दिखा दिया, और शायद ऐसा विश्व में कभी दूसरा उदाहरण हमको देखने को नहीं मिलेगा जी। तो ये थे महात्मा गांधी जी, ये थे महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी का योगदान क्यों है और क्यों उनको बार बार याद किया जाता है, छोटी छोटी बातें महात्मा गांधी की आज तक इम्पॉर्टेंट है, जो एक जिसके जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार ने एक स्वच्छ भारत के अभियान की शुरुआत की, ये इस सरकार को इतने सालों बाद करना पड़ा। हालांकि गांधी शुरू से, उनकी एक बार लड़ाई भी हो गई कस्तूरबा गांधी से, बहुत फेमस वो बात है जब उन्होंने उनको खुद ही टॉयलेट साफ करने के लिए बोला। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जो एक घर की बातें कि सफाई खुद से करें, अपने काम पहले करें, या जो एक जो अब हम मॉरलिटी के रूप में बताते हैं, वो गांधी जी प्रैक्टिस करते थे। उनकी खूबी यही थी, उन्होंने सिर्फ जिसका उर्दू में अगर आपके उर्दू जबान में जबानी जमा खर्च नहीं किया कि ऐसा होना चाहिए, उन्होंने सबसे पहले करके दिखाया, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जी। जब उन्होंने स्वच्छता की बात की,
तो उन्होंने सिर्फ वैचारिक स्वच्छता की बात नहीं की, उन्होंने कहा आपका तन भी स्वच्छ होना चाहिए, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं वो भी स्वच्छ होना चाहिए। और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की, अपना टॉयलेट साफ करके। जैसे आपने बताया कि उनकी पत्नी को पसंद नहीं आई थी बात, और दोनों में इस पर झगड़ा भी हुआ था, लेकिन गांधी जी इस मामले में बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बड़े अड़ियल थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात गलत है तो गलत है, टॉयलेट तो आप साफ करेंगे, क्यों दूसरा करेगा उसका टॉयलेट को साफ। तो उस जमाने में उन्होंने ये चीज़ लेकर आए थे, जो आज जो आज एक मुहिम चली हुई है कि स्वच्छता बहुत अच्छी चीज है, वो तो उन्होंने तभी कल्पना की थी कि बहुत जरूरी है, ये अपने आपके जीवन का अभिन्न अंग है। जब तक आप स्वच्छ वातावरण में नहीं रहेंगे तो आपकी मानसिकता स्वच्छ कैसे होगी। जी बिल्कुल, स्वच्छ कैसे होगी। और एक गांधी की और खास बात थी कि वो लोगों से सीधे जुड़ते थे, और पहली बार जो गाँव का एलिमेंट है वो गांधी ने लाया कि क्रांति जब तक शहरों से नहीं, छोटे छोटे गांव से होगी, पंचायतों से होगी। और जब 1917 में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया, चंपारण से उसकी शुरुआत की, इसीलिए शायद चंपारण वो चुना गया, बिहार का वो जगह चुनी गई जिसमें राजेंद्र प्रसाद को एक तरीके से मुख्य रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई थी वहाँ पे उन सारी चीज़ों को अरेंज करने की, और गांधी ने पहला सत्याग्रह वहाँ से शुरू किया। जी ये देखिए, हुआ ये कि जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस हिंदुस्तान लौटे तो अधिवेशन में उनको बुलाया गया, तब कोई उनको यहाँ जानता नहीं था जी। और तब बड़े बड़े वक्ता के रूप में आपके जिन्ना हुआ करते थे, आपके नेहरू हुआ करते थे, पटेल हुआ करते थे, ये सब लोग हुआ करते थे, आचार्य कृपलानी वगैरह ये सब। और तब वो जो आंदोलन चल रहा था वो नगरों और शहरों में ही केंद्रित था, और जब गांधी जी का सबसे आखिर में उनको मौका दिया कि भाई हमारे महाशय आए हैं और ये भी अपने विचार रखना चाहते हैं, गांधी जी आए तो उन्होंने पहली बार कहा कि ये आंदोलन शहर में क्यों है, ये आंदोलन तो गांव से होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं जी। और जब उन्होंने ये बात कही तो उनके पीछे जो मंच पे जो बड़े बड़े नेता बैठे थे सब में कानाफूसी होने लगी। उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं भाई, गाँव से कैसे आंदोलन करें, गाँव के बेपड़े जाहिल लोग हैं, वो क्या समझेंगे, उनको क्या समझ है। लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अड़े रहे, उन्होंने गाँव गए, वहाँ पे जो मोबिलाइज करके जो उन्होंने पूरा का पूरा दृश्य बदल दिया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का दृश्य बदल दिया, क्योंकि अभी तक सिर्फ शहरों में ये पढ़े लिखे एलीट वर्ग के जो लोग थे वो एक बात कर रहे थे जी। और उन्होंने पहले उसका विरोध भी किया, बहुत से लोगों ने विरोध लेकर एक के बाद करते 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 सब गांधी जी के पाले में पहुँच गए। और पहली बार मौका था जब सबको उन्होंने गाँव की खाक छनवाई, पूरे गांव में गए, उनको ले गांव तक पहुंचे। लेकिन एक और बात ये 1917 में हुआ, 1920 में जब पहली बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, एक बड़े स्तर पे ये मूवमेंट शुरू हुआ और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन गांधी का व्यक्तित्व जो था, चौरी चौरा की ये घटना ने उनको ऐसा तोड़ा कि उन्होंने वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही बंद कर दिया। जी ऐसा हुआ था कि जिस वक्त गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, जो उनका और अहिंसक था वो आंदोलन जी, तो उसमें जाहिर है उनके विरोधी भी थे, उसमें सबसे बड़े विरोधी तो कहा जाता है कि भगत सिंह थे, बिल्कुल वो पसंद नहीं करते थे। और कहानियाँ यूं भी हैं कि ना गांधी जी उनको पसंद करते थे ना वो गांधी जी को, जो कि गलत है, ऐसा नहीं था जी। उनके राजनीतिक मतभेद थे, वैचारिक मतभेद थे, लेकिन दोनों के एक दूसरे को लेकर इज्जत तो थी। और ठीक है, गांधी जी का कहना था कि भगत सिंह ने जो रास्ता अपनाया है ये उचित नहीं है और इससे आज़ादी नहीं मिल सकती है, या अगर मिलेगी भी तो उसकी बहुत भारी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। लेकिन गांधी जी अपनी जगह पर अडिग थे और उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया, अहिंसक आंदोलन, वो उन्होंने मरते दम तक छोड़ा नहीं, कभी भी नहीं छोड़ा ये जी। वो जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब इनकी शुरुआत हिंसक रूप में हुई, उनका मारा पीटा गया सब कुछ गया, इसके बावजूद वो हिंसक नहीं हुए, उनका मरते दम तक उनकी पूरी आस्था थी अहिंसा में। उन्होंने कहा कि अहिंसा से बड़ी शक्ति दुनिया में और कोई नहीं हो सकती जी, अहिंसा से बड़ी शक्ति दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। इस साल 150वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं, 150वीं जयंती पे जिस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी गांधी की बात हो गई, लेकिन जो सरकार की बात अगर हम करें, अभी 150वें वर्ष इस बार हो रहे हैं और सरकार तरीके प्रोग्राम कर रही है, प्लास्टिक फ्री इंडिया बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और बात उसमें खादी को प्रमोट करने की और जो जो कॉटन के झोले हैं उनको प्रमोट करने की हो रही है।
क्या लगता है कि बहुत देर हो गई है यहाँ पहुंचने में, खासकर पर्यावरण के लिए ये कदम उठाने के लिए, या अभी भी स्कोप है कम से कम गांधी के नाम पे ही हम ये करें? देखिए, बात यह है कि जब जाएंगे तब सवेरा वाली बात है, तो बड़ी अच्छी बात है अगर ये हो जाए। और इसमें जब हम स्वच्छता की हम जब बात करते हैं, तो सरकार थोड़ी ना गंदगी फैलाती है, जी गंदगी फैलाने वाले तो हम आप जैसे ही लोग हैं ना। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो अगर आप सुधर आएंगे तो स्वच्छता वैसे ही आ जाएगी वहाँ पर। और जहाँ तक आप उसकी बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने जो स्वच्छता की बात की, उनको इसका महत्व बहुत पहले से मालूम था, बहुत पहले से मालूम था इसका। इसलिए वो दूरदर्शी थे, वो बहुत आगे की सोच रहे थे। बहुत उनको तब भी मालूम था कि गांव, हमारे जैसे गरीब देश में गांव का कितना महत्व है। जी और आप आज भी देखिए, जो जीडीपी जो फ्लक्चुएट करती है बुरी तरह से, उसका बहुत बड़ा असर गांव जो से, वो गांव से हो रहा। जी जिस देश में करीब 60 से 70% जो हमारा देश है वो गांव में बसता है, अगर जब तक उसकी माली हालत ठीक नहीं होगी तब तक हमारी जीडीपी ठीक नहीं हो सकती। जी तो हमें आज भी बताइए, 150 वर्ष हो गए, आज भी हम पलट के जब देखते हैं तो हमें लगता है कि गांधी जी वाकई ठीक कहते थे कि हमें गांव की तरफ रुख करना पड़ेगा, हमें गांव की तरफ ही ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारा शहर सुधरेगा। जी उसको नज़रअंदाज करके, उसकी अनदेखी करके हम कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। और 150 साल ये जो होने जा रहे हैं, इसमें आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना है, क्योंकि जैसा हमने बताया, गांधी जी हमेशा कहते थे कि शुरुआत आपको अपने घर से ही करनी है, चाहे सफाई हो चाहे कोई नई बात करनी हो। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम, आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप भी बताएं आपके क्या मायने हैं 150वीं वर्षगांठ जो है महात्मा गांधी की, उसके आप क्या मायने निकालते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें। ऐप स्टोर में जाके टाइप करना है आपको NY000, और जो पहला ऐप आए उसको डाउनलोड करें। वहीं मिलेंगी आपको आपके शहर की सच्ची और सटीक खबरें वीडियो फॉर्मेट में। आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत।